हाय हाय, ना तू क्यों ऐसे सनसनाटा बन के बैठा वे? तर खैर है, माथा तो ठीक है, दो दिखा। आंखें भी पीली नहीं है, तो फिर तुझे भूख लगी होनी है। मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। है मेरे साथ बैठे हैं? बैठे तो क्या हो गया तुझे? है पता है आज मेरा क्या दिल कर रहा है? क्यों हीरो घंटों अपनी माँ के साथ बैठ के घंटों बातें करे? हाय माँ सदके जाए, आज मेरे शहजादे के पास मेरे लिए इतना टाइम है। रोज तो प्यो पत्र बाहर निकले होते हो। सब ठीक है? वो मुखालफों की मरीना आंटी है ना, उनकी बेटी है ना हीर, वो गली में गटर का ढक्कन खुला हुआ था बेचारी, उसमें गिर के जख्मी हो गई है। आय हाय, ये कोई नशा ही होना है जो ढक्कन बेच गया। ओ नहीं अम्मी, पहले सिर्फ नशा ही उठाते थे, अब महंगाई इतनी हो गई है, हो सकता है किसी बाप ने अपने बच्चे की भूख देख के उठा लिया हो। मैं बस ये कह रहा था कि अच्छा नहीं लगता किसी की जवान बेटी गटर में गिर के जख्मी हो जाए तो बंदा पता ना करे मुखालफत अपनी जगह। वे? तुझे कैसे सारा कुछ पता है? आपका ही यार पता छोड़ के आया था। अम्मी उसे बड़ी जोर की लगी है, उसके हाथ में पता कैसे खून था। जैसे जब हम छोटे होते थे हम क्लास में सब लड़कों के रेड कलर की इंक लगा के कहते थे ना कि हमारा हाथ कट गया। अम्मी लापता है। अम्मी उसे बड़ा दर्द हो रहा था, इतना ज्यादा कि मुझे भी दर्द शुरू हो गया। हाय मेरा बच्चा। ओए ना मुखालफों की कुड़ी की ने तेरे दिल में क्यों दर्द शुरू हो गया बता, बोल भी। तो ना बताएगा ना तो फिर तू अपनी माँ का जनाजा। अम्मी हुजूर, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? फुट मसला की है बिचू। हाथ उठाए मेरे पे नहीं, आपको आपके हीरो की जान की कसम है। क्या आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे और अब्बू को भिनक भी नहीं लगने देंगी? नहीं पुत्र, तू दस्ते सही।